हम आपको श्रृंगारपुर के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं। हमने कैसे न्याय किया, उस सूबेदार से कैसे सच उगलवाया और उसमें से क्या निष्कर्ष निकला, ये सुनकर आप अचंभित हो जाएंगी। और हमने क्या किया, ये सुनकर आपको विशेष आनंद होगा। लेकिन हमारे कान में तो कुछ और आया है। आप किस बारे में बोल रही हैं? आप किस काम के लिए श्रृंगारपुर गए थे? जांच पड़ताल के लिए या जांच पड़ताल के नाम से? आपने गाना सुना? माता श्री, जंगल में गिरी हुई चिंगारी को समय पर बुझाए नहीं तो पूरे जंगल में आग लग जाती है। भ्रष्टाचार का भी वैसा ही है और इसीलिए अनाजी पंत का फैसला होगा, आज ही होगा। सुना क्या? क्या महाराज, आज सुबह सुबह ही किले पर आए हैं। अच्छा, अच्छा हुआ। उनके आने से पहले वो देसाई का भी किस्सा खत्म हो गया, वो भी अच्छा हो गया। हाँ। राम 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 राम। आइए। आऊं क्या? हर रोज ही आ रहा हूँ और पूछता रहता हूँ, कब शुरू होगा गुनवे का काम? जल्द ही होगा। नहीं मतलब, सैनिकों के घोड़े गांव के कुनवे पर हमेशा रहते ही पानी पीने के लिए है, तो तभी स्त्रियों को वहाँ आना जाना मिलता नहीं है, कठिनाइयाँ होती है। पाटिल, महाराज आज ही किले पर पहुँचे हैं। वो कचेरी में आएंगे तो पहले आपका कागज उनके सामने कर देता हूँ। कीजिए कीजिए, हमारे खर्दी गांव पर आपका ये एहसान हो जाएगा। अजी, हमारा तो वो काम ही है। वैसे आपके कुनवे का काम अब तक पूरा हो चुका होता, पर महाराज नहीं थे ना इतने दिन किले पर। उतना याद से करके लीजिए। करके लेता हूँ। आज कागजों पर मोहर लग गई ऐसा सुना तो अच्छा लगेगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, देखिएगा। ठीक है, महाराज को मिल सकता हूँ? महाराज जरूरी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्या? शंभू राजा, आपने श्रृंगारपुर जाके जांच की, इसका हमें समाधान हुआ। जी पिताश्री, आपको यहाँ पर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, इससे आपकी लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। शंभू राजा, अब आप प्रजा के हो गए हैं, प्रजा के सुख दुख के लिए आप बड़े तिलमिला जाते हैं, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। जी पिताश्री, वहां एक स्त्री कलावंती को आपने बचाया, उसका बाजार रोक दिया, वाह। जिजाऊ माता की लड़कियां जैसे तलवार की धार, ये कविता सुनते वक्त आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि तभी आपकी नजरों में वहां अपनी पसंद से ज्यादा भाई का औदा ज्यादा था और वो आपने जाहिर भी किया। वाह शंभू राजा वाह। पिताश्री, ये सब बातें हमने आपसे ही सीखी हैं। सिर्फ एक बात हमेशा याद रखिए जी, हमारे स्वराज्य के लोग हमें बड़ी मेहनत से मिले हैं, आज तक हमने उन्हें संभाला है उनके दुर्गुण के साथ। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमने उनके गुणों की तारीफ करके उनके दुर्गुणों को भुलाने पर मजबूर कर दिया। पिताश्री, पर वो झूठ बोलते हैं। आपको क्या लगा शंभू राजा, ये हमें मालूम नहीं? स्वराज्य में होने वाली छोटी सी छोटी बात की खबर पर हमारी कड़ी से कड़ी नजर रहती है, फिर पिताश्री क्या उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं, नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, वहां पर संयम बनाए रखना जरूरी है। उन्हें उनकी गलती सबके सामने बताने से अच्छा अकेले में बताइए, उनसे कबूली भी लीजिए, वो भी ठीक है, पर अगर हम उन्हें सबके सामने बोलेंगे तो उन्हें अपमान लगेगा। पर पिताश्री, और अपमान के पीछे पीछे आती है द्वेष, दूरी और फिर नफरत। शंभू राजा,
दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी मुसीबत का कारण एक ही है, अपमान। फिर वो रामायण होगा, महाभारत होगा, या फिर नंदकुल का नशा होगा। शंभु राजा, एक बात हमेशा याद रखिए, शब्दों से हुए घाव निकालने वाली दवा आज तक तो कोई वैद्य ढूंढ नहीं पाया है। पिताश्री, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, ऐसा आपको लगता है तो हम माफी मांगते हैं अनाजी पंत से। नहीं, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह के अल्फाज वापस नहीं आते हैं, और वापस आने भी नहीं चाहिए। कम से कम राजा को तो वैसा नहीं करना चाहिए। पिताश्री, हमें आपके सपने में कि स्वराज्य को और बड़ा करना है। ऐसा लगता है और कितने काम करने बाकी हैं, और ये जिम्मेदार लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। शंभु राजा, अनाजी पंत, नीराजी पंत, मोरो पंत कई सालों से हमारे साथ में है। अनाजी पंत का काम भी बहुत बड़ा है। हम जब आगरा गए थे तब राजगढ़ की सारी जिम्मेदारियां उन पर थी। अवसर आने पर उन्होंने तलवार का कमाल दिखाया। राहुल जी सोमनाथ तो आपके साथ 2 साल औरंगाबाद में थे, हमारे स्वराज्य के पहले प्रतिनिधि। मराड़ लूट में वो हमारे साथ थे। बाजी घोरपड़े पे हमने जब हमला किया था तभी वो हमारे साथ में थे। नीराजी पंत, वो तो आगरा में हमारे साथ छांव की तरह घूम रहे थे, ये तो आपने भी देखा है। मोरो पंत, हमारे स्वराज्य के मुख्य प्रधान, बहुत सी बड़ी बड़ी लड़ाई मुहिम उन्होंने संभाली है। राज्य अभिषेक के दिन सिंहासन की सीढ़ी पर बैठने का मान प्राप्त किया उन्होंने। ये सब लोग हमारे दिल के बहुत ही करीबी लोग हैं, उन्हें संजोग कर रखिए। पर पिताश्री, उन्हीं में से कुछ लोग आज ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? किस बात की कमी है स्वराज्य में? क्या कुछ नहीं किया स्वराज्य ने उनके लिए? पिताश्री, अनाजी पंत को 10,000 सोने की मुद्राएं वेतन के रूप से मिलती हैं, तो क्या फिर भी उन्हें ऐसी छोटी छोटी चीजों की लालच रखनी चाहिए? ये सब आदतें, मतलब मंत्री भ्रष्ट करने की आदत, बाहर की व्यवस्था लगाती है जानबूझकर। और एक बार अगर ये नजराने स्वीकार करने की आदत हो गई और फिर वो आना रुक गई, तो फिर नजराने मांग करने की आदत हो जाती है। ये एक आम मनुष्य धर्म है। और इसके अलावा ये सब लोग ऐसी जगह पर आकर बैठे हैं जहां उन्हें किसी का भी नियंत्रण नहीं चाहिए। ये बात समझ में आई है हमारे? आप चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं। पिताश्री, हमारे लिए क्या आदेश है? आपको कैसा आदेश युवराज? हां, बस एक बात का ध्यान रखिएगा। जी। सामने के व्यक्ति का मान, उनकी उम्र देखकर उनसे बात कीजिए, ये बात बहुत ही जरूरी है। जी। शंभु राजा, आप तो मूल रूप से ही कवि हैं, इसलिए राज्य कारभार कैसे करना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, भ्रष्ट कारभार कैसा नहीं होना चाहिए, ये सब बातें आप अपनी कविताओं में लिखते हैं। पर फिर असल में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपसे वो सहा नहीं जाता, सही कहा ना? इसलिए पिताश्री, हमें आपसे गुजारिश है, हमें आपके साथ रखिए, क्योंकि पिताश्री, अगर कुछ गलत होता है तो हम वो सह नहीं पाते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो हम उसे गलत कहेंगे ही। गलत ही कहना चाहिए, परंतु शंभु राजा, आप कल के राजा हो, और राजा ने वैद्य की तरह बर्ताव करना चाहिए, मतलब कड़वी दवाई देते समय उसे शहद में डालकर देनी चाहिए, उससे रोग भी चला जाता है और खाने वाले का मुंह भी कड़वा नहीं होता। जी, महाराज कब आएंगे बताइए ना। अनाजी पंत गए हैं महाराज जी को लाने के लिए, वो उन्हें लेकर ही आएंगे। अनाजी पंत, आप स्वराज्य के सुरनिस हो, जानकार हो, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
हम किले से बाहर जाते हैं वो आपके भरोसे पर। पर हमारे पिछले किले पर छोटी मोटी बातें शिकायतें होती हैं, ये सब बातें हमारे मन में नहीं आती। माफ कीजिए महाराज, हमारे हाथों कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो। नहीं नहीं अनाजी पंत, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज, युवराज हमारा लोगों के बीच अपमान करते हैं। वो अगर ऐसा बर्ताव करते होंगे तो उन्हें समझाया जाएगा। पर आपके हाथों से कुछ गलती तो नहीं हुई है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। शंभू राजा को शायद ऐसा लगा होगा। कैसा है ना अनाजी पंत, एक घोड़ा शरारती निकला तो हम क्या करते हैं, सिर्फ घोड़े को बदल देते हैं। परंतु जवान लड़का उसी घोड़े को लगाम लगाने की हिम्मत रखता है। उम्र के कारण शंभू राजा भी गुस्सैल स्वभाव के हैं। काम करने की इच्छा, हिम्मत और जज्बा सब है उनमें। बचपन से ही उन्होंने हमें बड़े नजदीक से देखा है, इसलिए जरा सा भी गलत होते देखते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। हमें संभाल लेना चाहिए। ठीक ही है, लेकिन युवराज हमारी कदर नहीं करते, गुस्से से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। अनाजी पंत, वो सच बोलते हैं, पहले से वो वैसे ही बोलते आए हैं। मिर्जा राजा जयसिंह, दिलेर खान, फौलाद खान, उन्होंने स्वयं बादशाह सलामत से भी ऐसे ही बात की है। और तब वो कितने साल के थे? सिर्फ 9 साल के थे वो, तभी भी वो डरे नहीं और आज भी वो डरते नहीं है। हमने भी स्वराज्य के लिए दौड़ भाग की है, कितनी मेहनत की है। अनाजी पंत, स्वराज्य के लिए हम सब ने बहुत कुछ सहा है और इसीलिए ये सिंहासन हम निर्माण कर सके हैं। हमने जमीन नापी। आपने जमीन नापी, वो बड़ा काम किया है, और जमीन जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, नहीं क्या? जीता ना उन्होंने नाशिक, भिवंडी, विक्रम किला, सीधे भागानगर तक पहुंच गए ना। गोवा का मुलुखा भी किया ना हासिल। हजी उम्र के 15-16 साल की उम्र में हाथ में तलवार लेकर भाग रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं। या सिर्फ युवराज हैं इसलिए बस मौज कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज का शौक नहीं। अनाजी पंत, आज तक उन्होंने कौन सी जिद किए हैं हमारे पास? उनकी तो बस एक ही जिद है, स्वराज्य। ये सब मैं मानता हूं महाराज। मिर्जा राजा की छावनी में जाकर रहे, आगरा में हमारे साथ कैद होकर रहे, मथुरा में वनवास किया, मथुरा से राजगढ़ तक वो चलते हुए आए हैं। क्या आज तक उन्होंने एक लफ्ज भी बोला? कितनी बड़ी बात है ना ये अनाजी पंत, कितने गर्व की बात है ये। इन सब बातों की हमें खुशी ही होनी चाहिए। आपका युवराज कवि है, प्रतिभाशाली है, ग्रंथ का निर्माण करता है, तलवार चलाता है, किसी गलत बातों का शौक नहीं, स्त्री पर अत्याचारों के बारे में जागरूक है, प्रजा के लिए प्रेम है। अनाजी पंत, हमें आज भी याद है झुंझार किले के युद्ध में एक मावले का पैर मुड़ गया था, शंभू राजा ने उसका पैर खुद के कंधे पर रखकर ठीक किया है। हर एक चीज में खुद से आगे बढ़ते हैं, इन सब बातों का कुछ मोल नहीं है क्या, बताइए? ऐसे कैसे, हमें इस बात का अभिमान है महाराज। फिर आप उनसे खफा क्यों हैं? किस लिए? हाँ, वो अनुशासन को मानते हैं इसलिए, उन्होंने नागोजी भागोजी का न्याय घुमाया इसलिए, या फिर उन्होंने नजराने देख लिए इसलिए? नहीं महाराज, हमारे हाथों कोई गुस्ताखी हुई हो तो। गुस्ताखी कैसी? एक बात ध्यान में रखिए,
खिलते हुए फूल की अगर हमने प्रशंसा नहीं की तो उसकी खुशबू संसार में कैसे घूमेगी। हम छोटे बच्चों को चिड़िया कौवे की कहानियां सुनाते हैं, क्यों? बड़े होने के बाद उनके पंखों में बांस के जैसे छलांग लगाने की ताकत आए। तो फिर महाराज एक विनती करता हूं। जरूर। उनके अधिकार स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या होते हैं युवराज के अधिकार? ये हम जल्द ही स्पष्ट कर देंगे अन्ना जी। और एक बात फिर से ध्यान में रखिएगा, शंभू राजा पूरे विधि विधान से धर्म सिद्ध युवराज हो गए हैं। उनके अधिकार भी बड़े हैं। पाटिल जी, कुएं का पानी लेकर आए हो क्या? कैसा कुआ महाराज, अभी तक तो कुल्हाड़ी भी नहीं मारी है। निराजी पंत, उनके कुएं की मंजूरी के लिए आदेश दिया था ना हमने आपको, फिर काम क्यों रुक गया? ऐसे कछुए की गति से काम होगा तो स्वराज खरगोश की गति से कैसे भागेगा? महाराज माफ कीजिए, पर मंजूर किए हुए कागजों पर आपने अभी तक मोहर नहीं लगाई है, फिर काम कैसे शुरू करेंगे और खर्चे के लिए मोहरे भी कैसे दे सकते हैं? अच्छा महाराज, पहले आप किले पर नहीं होते थे, पर तब रानी माँ के पास सारा अधिकार था, इसीलिए सारे निर्णय वही लेती थी। लेकिन अब कौन लेगा किले पर? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ठीक है, पाटिल जी के कागज ले आइए। पाटिल जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसा क्या महाराज, माफी क्यों मांग रहे हो? अरे भगवान भी कभी माफी मांगते हैं क्या? काम में रुकावट आई, हमारी लापरवाही की वजह से परेशानी भी हुई। निराजी पंत, कल ही काम की शुरुआत करवा दीजिए। जी। येसु, एक बात पूछे, आप ही होशियारी से उसका जवाब दे सकती हैं। हे भगवान, आज हमारे हाथों में न्याय दंड। येसु, क्या हम सच में गलत बर्ताव करते हैं? किस बात के लिए? हम जैसे बर्ताव करते हैं, बोलते हैं, फैसले लेते हैं, वो बराबर होते हैं कि सिर्फ हमें ही बराबर लगते हैं? दूसरों को गलत तो नहीं लगते? युवराज, आज बड़े दिनों बाद लगा कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। हमारा बर्ताव लोगों को पसंद नहीं आता। आपके विचारों की और आपकी बुद्धि की गति अधिक है। होगी शायद। आप श्रृंगारपुर गए, स्वराज द्रोहा को पकड़ा। ऐसे कोई नहीं जाता है ऐशो आराम छोड़कर, लेकिन आप गए, स्वराज के लिए गए। बाकी लोगों को लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। सामने अगर कुछ गलत हो रहा हो फिर भी आपको अनुमति दे देनी चाहिए, ऐसा लगता है उन्हें। फिर क्या हमें अनुमति देनी चाहिए? हम अपनी आंखें बंद कर लें? नहीं, आप उसमें राजकरण ढूंढिए। भावना और अधिकार, इनमें गड़बड़ी ना करके अच्छे से मेल बिठाने की कोशिश करें, जो हमारे पिताश्री ने किया है। क्या हम वो कर सकते हैं? आपके लिए क्या नामुमकिन है युवराज। रानी मां, कैसी हैं आप? सच तो यह है कि आपको रोज मिलने की इच्छा होती है, पर नहीं होता हमसे। हां, परंतु एक बात है रानी मां,
हम जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ आपकी यादों के मीनार खड़े होते हैं हमारे आगे पीछे। आपने बोले हुए हर एक अल्फाज हमारे कानों में घूमते हैं, ऐसा लगता है हमें आपने बताए हुए सिखाए हुए अनुभव की मशालों का उजाला रहता है हमारे आगे पीछे। पर फिर भी पता नहीं क्यों आपकी आपकी बहुत कमी महसूस होती है। आप थी तब जिम्मेदारी आपके हाथों में थी, हम भी बेफिक्र थे, पर अब ये जिम्मेदारी दूसरों के हाथों में सौंपने का समय आ गया। अब आपके बाद आपके जितने सक्रिय हाथ किसके होंगे ये हमें अभी तक पता नहीं। हाँ, पर रानी माँ आपके आशीर्वाद से ये फैसला हम कल ही लेंगे। सोयरा रानी जी, पुतला रानी जी, सखवार रानी जी, येसु रानी, मोरो पंत, बालाजी पंत, किसके पास? रानी माँ अभी आप ही सहायता कीजिए। कौन, किसके हाथों में सौंप दे हम ये स्वराज्य की जिम्मेदारी? किसके हाथ योग्य है हमारे स्वराज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए? रानी माँ आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। इन दिनों बहुत भागदौड़ चल रही है। हाँ, किसी बड़े मुहिम की तैयारी हो रही है। तो राजा राम राजा कहाँ है? बाल राजा, वो आजकल बगीचे में वक्त बिताते हैं। बगीचे में वक्त बिताते हैं और घोड़े पर श्रृंगारपुर जाते हैं। हाँ, दादा साहब के पास से चना छील कर लेते हैं। जी, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं शंभू राजा को। लेकिन ये सब बातें आपको कैसे पता चली? हमारा अपने बच्चों पर पूरा ख्याल रहता है। मतलब वो श्रृंगारपुर कैसे गए, कैसे आए, वो कहाँ रुके, ये सब बातें पता चल जाती हैं हमें। मतलब तो आपको कलाकार के बारे में भी पता चल गया होगा ना? बिल्कुल पता है, कितना अच्छा काव्य गाया था उसने। हम अगर वहां होते तो हमें भी वो काव्य सुनने का मोह हुआ होता। लेकिन हमें ये पता चला कि ये बात आपको पता चलने तक काव्य लावणी बन गई और उसी वजह से आपने थोड़ा गुस्से से बर्ताव किया। नहीं, मतलब हम बच्चों पर अविश्वास मत दिखाइए, उन पर कभी भी शक मत कीजिए। सोयरा रानी जी, आपने अगर सिर्फ शक भी जताया तब भी बाहर वाले सिर्फ उंगलियां उठाने के लिए खड़े रहते हैं। हमें अपने बच्चों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। जी, पर महाराज गाना सुना, ये बात भी तो हमसे सही नहीं गई। आप सिर्फ महारानी हैं ऐसा नहीं है, आप छत्रपति की पत्नी भी हैं। इस तरह लापरवाही करना ठीक नहीं, ऐसी गलत फहमियां घातक हो सकती हैं। और दूसरी बात, अगर आपको बच्चों के बारे में शक जाहिर करनी ही थी तो फिर चार लोगों के सामने क्यों, उन्हें सामने बुलाकर क्यों नहीं पूछा? आपने पूछना चाहिए था। उसके लिए अनाजी पंत की क्या जरूरत, राहुजी सोमनाथ किस लिए? वो अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही बोलेंगे ऐसा भरोसा नहीं कर सकते। अपने लोगों की प्रशंसा पहले हमें करनी पड़ती है, उसके बाद पूरी दुनिया करेगी। अगर आपको कोई तकलीफ है तो हम हैं ना, हमसे पूछिए। दिल बहुत ही बेचैन हो रहा हो तो रानी माँ के स्मारक पर जाकर बैठिए। आगे से हम ध्यान रखेंगे, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। एक बात याद रखिए कि पीछे मौत खड़ी थी, उसके बावजूद भी शंभू राजा ने अपने वचन को टाला नहीं। आपके लिए शाल लेकर आए, वो कहां कहां भटके, सर्दी में परेशान हुए, ठंड में सोए, शायद उन्हें भी लालसा हुई होगी शाल ओढ़ने की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने शाल को खोला नहीं। क्यों? आपके लिए। जी, शंभू राजा को और कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपके
आपके पल्लू की छाया चाहिए। वो तो है, हमने भी उन्हें अपना ही माना है। हमें भी बस यही चाहिए जी। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सोयरा नानी जी, सिर्फ ख्याल ही नहीं, आप रानी माँ की भी जगह लीजिए। अगर आज रानी माँ होती तो किले पर शंभू राजा की बदनामी की हवा ऐसे घूम नहीं रही होती। राम राम पंत। राम राम। आज तो बहुत ही हलचल हो रही है। जी, आज दरबार भरने वाला है, महाराज कभी भी बुला सकते हैं। तो अंदाजा है आपको किस बारे में? आज मोहर और जिम्मेदारी देने वाले हैं महाराज। वही तो हलचल चल रही है। मुझे लगता है मोहर और जिम्मेदारी सोयरा महारानी को ही मिलेगी। यानी आप कहते हैं कि मोहर और जिम्मेदारी सोयरा महारानी को मिलेगी? ऐसा है पंत, जहाँ मुख्य रानी का पद होता है उसी हाथ में मोहर और जिम्मेदारी रहती है। लेकिन पंत, अगर मुझसे पूछा जाए तो वो सम्मान आपको भी मिल सकता है। हमें? अजी, प्रधान पेशवा हैं आप स्वराज्य के। वैसे देखा जाए तो ये सम्मान नीराजी राव जी को ही मिलना चाहिए। उनका काम भी बड़ा है और योग्यता भी। तो फिर नीराजी राव जी ही। वैसे हम कुछ भी बोलते रहे, ये अंधेरे में पत्थर मारने जैसा होगा, क्योंकि महाराज मोहर और जिम्मेदारी उसी को देंगे जो उन्हें अच्छे से संभाल सके। हमारे गैर मौजूदगी में किले पर के काम अटक जाता है। हमारी जनता हमारी गैर हाजिरी में मोहर के लिए चार चार चक्कर काटती है, ये सही नहीं है। जी हाँ महाराज, ऐसा होता तो है, और अभी तो स्वराज भी काफी बढ़ता जा रहा है। असल में इसीलिए हमने ये दरबार बुलाया है आज। हमारे बेटे शंभू राजा देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने कितने बड़े हो गए। अब वो अपने मावलों की जान बन गए हैं और अपने सैनिकों के गले के ताबीज। उन्होंने लड़ाइयां जीती और कामयाबी हासिल की। लेकिन आज तक हमने उन्हें कुछ दिया नहीं। आज उन्हें देने का समय आ गया। आज हम दो चीजें तय करने वाले हैं। एक, शंभू राजा के युवराज का अधिकार, और दूसरी बात, मोहर और कटियार का अधिकार कैसे मिलेगा। महाराज, हमारे लिए तो वो आप ही हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। शंभू राजा, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन फिर भी शंभू राजा, दरबार के रिवाज के अनुसार अभी कुछ अधिकार देना जरूरी है। आज से शंभू राजा स्वराज्य के मुद्दों को निपटाने में स्वतंत्र और सक्षम होंगे। महाराज, आज से शंभू राजा उन्हें दिए हुए अधिकारों का उपयोग न्याय करने के लिए करेंगे। उनकी सेवा में और उनके मुंशी के रूप में महादेव यमाजी दे रहे हैं, और उसके साथ ही उनके सैन्य दल के अधिकारी धारराव निम्बालकर भी दे रहे हैं। शंभू राजा, आज से आप स्वतंत्र कामकाज कर सकते हैं। आइए, कृपया आगे आइए। महाराज, इस जिम्मेदारी को हम खुशी खुशी निभाएंगे।
स्वराज्य की सेवा करना और आपके सारे सपने पूरे करना, यही हमारी जिंदगी है। शंभु राजा, एक और जिम्मेदारी है। जी। आज से हम अपने जमादार खाने की चाबियां आपको सौंपते हैं। महाराज, हाँ, ये जवाबदारी भी आपको अच्छी तरह से निभानी होगी। जो आज्ञा महाराज। एक एक जिम्मेदारी को कम करने से कितना हल्का महसूस होता है मोरोपंत। जी महाराज। और अब मोहर वाहन चालक कौन होगा? वो भी हमने तय किया है। हम मोहर वाहक का पद देने वाले हैं। राजकुमारी येसुबाई को। आइए बहुरानी, आगे आइए। ये सुरानी, आज से आप मुख्तार पद रानी मां के औहदे को संभालेंगी, ऐसा विश्वास है हमें। बस एक बात का ख्याल रहे, इससे पहले मोहर और कटियार रानी मां के हाथों में थी, इसके बाद ये जिम्मेदारी हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं। महाराज, ये मोहर और कटियार हमें ना सौंपे जाए। हमारे पल्लू में डाल दिए जाए। येसु, महाराज, हम इनका सम्मान और पवित्रता बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें इस बात का पूरा यकीन है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है और सभी मान्यवरों का सहयोग भी। ये सुरानी, बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये मोहर और कटियार घमंड के कारण बने तो कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे और उनके दुखों का कारण ये बनेगी, लेकिन अगर यही मोहर और कटियार प्यार से संभाली जाए तो ये लोगों का कल्याण कर सकती है। इन लोगों के कल्याण की प्रथा को आगे ले जाएगी ये मोहर और कटियार, लोगों के शासन का, लोगों के कल्याण द्वारा शासित स्वशासन। यशस्वी भव। युवराज को खुद का एक अलग ही काम दे दिया, ये अच्छा हुआ। अच्छा तो हुआ, लेकिन हमारी तकलीफ बढ़ गई। आपके क्या तकलीफ बढ़ गई? अजीपंत, युवराज को स्वतंत्र प्रशासन दिया लेकिन स्वतंत्र सुरनिस नहीं दिया, मतलब वो बोझ मुझी पे पड़ेगा। मुझे तो लगता है इस बात की जरूरत ही नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं महाराज का फैसला गलत था क्या? नहीं नहीं, मुझे वैसे नहीं कहना है, जल्दबाजी हुई क्योंकि अनुभव नहीं है ना। कहीं भागे जा रहे थे क्या स्वतंत्र प्रशासन मोहरे और कटार? आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? शंभु राजा ऊपर के पायदान पर चढ़ गए? नहीं नहीं, मेरी भावना वैसी नहीं है। देखिए, हम सब तो बस सेवक हैं। लेकिन ये सेवक भी होशियार है। कैसी है ये होशियारी आपकी? महाराज का उदय होने से पहले कहाँ थे हम? आदिल शाह के सेवक ही थे ना हम, बस सर झुकाकर आंखें बंद करके बस अन्यायी सहते रहते थे ना, इज्जत और आबरू को लुटता हुआ देखते हुए। निराज पंत, देखिए, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मुझे बताइए,
महाराज आने से पहले के समय चार सैनिक, चार सरदार और चार पंतों के नाम बताइए। आप बता नहीं सकते, लेकिन महाराज के स्वराज्य पर राज करने के बाद ऐसे सैकड़ों नाम बताए जा सकते हैं। तानाजी, येसाजी, जीवा, शिवा, बाहिर जी, नेताजी, सारजे राव, कृष्णा जी, झुंझार राव, अढलकर, मोरो पंत, सोनो पंत, श्यामराज पंत, गोपीनाथ पंत, गंगाधर पंत, कितने सारे नाम बता सकते हैं। महाराज की वजह से लोगों को पहचान मिली, तो उसके लिए आपको इतना बड़प्पन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या बड़प्पन दिखाया हमने? आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और बेचैनी की वजह से हम सब कामकाजी लोग किसी दिन अड़चन में पड़ जाएंगे, इसीलिए ये पीछे से बात करना बंद कीजिए और महाराज की हर बात पर खुशी जाहिर कीजिए। खुश तो मैं हूँ ही, ये अन्ना जी हमेशा खुश ही रहता है। लेकिन आपकी जो खुशी है ना, वो तेंदुए की तरह चलाक होती है। हमारी खुशी तो एक बंदर की तरह है, इस डाल से उस डाल पर कूदते रहने वाली, ऐसा ही है ना? ये देखिए, एक बात याद रखिए, ये बंदर प्रभु रामचंद्र की फौज में से हैं। उन्हें कम मत समझना कभी भी। आगे का इतिहास बता नहीं सकता, हाथ जोड़ कर कह रहा हूं आपसे, फिर से कह रहा हूं कि पीछे से बात करना बंद कीजिए। हम ईमानदार हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। आजादी की कीमत हम ठीक से समझ चुके हैं। इस अन्नाजी पंत को समझने के लिए दूरदृष्टि चाहिए। रानी साहिबा, युवरागी, ये महल उस इंसान का है जिसके पास किले के मोहर है, याद है ना? क्या क्या कहा आपने? और हमें चुप करवा रही हैं? मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपने रानी साहिबा कहा। कहना ही चाहिए, आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है, खुद पिताजी ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, अब हमें बचकर ही रहना पड़ेगा आपसे। हाँ, बचकर ही रहना चाहिए हमसे। अच्छा, आप हमें डरा रही हैं? रुकिए, बस रुकिए। और वैसे भी आपको हमारी कुछ पड़ी नहीं है। मतलब? पिताश्री ने हमारी प्रशंसा की, की ना? हम की ना? सारी माओ ने भी हमारी प्रशंसा की। आप लाडली हो गई हैं सबकी यहाँ पर। लेकिन हम आपकी लाडली थोड़ी ना हैं। हमारी तो लाडली है ही आप। हम हैं ना? फिर हमें खास रखे हुए गहने दीजिए ना। गहने? हमें ना चंद्रहार चाहिए, बाजू बंद और कमर बंद भी। मिलेंगे? मिलेंगे, और वो अनोखा ताबा भी आप ही के पास है ना? कब मिलेंगे? जल्द ही। लेकिन उसके लिए आपको सूची देनी पड़ेगी। सूची? आप सूची दीजिए, हम उसे पढ़ेंगे, मंजूर करेंगे, फिर मिलेंगे आपको गहने। मतलब अब हमें सूची देनी होगी? नियम के अनुसार आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, मंजूर कीजिए और फिर गहने दीजिए। आप बहुत समझदार हैं। अरे येसु, हमारा भी क्या है, हम पूर्वानुमान पर युवराज बनेंगे, लेकिन महल में हम सिर्फ आपके हैं। युवराजी, क्या है, आपको सूची चाहिए या नहीं? मोहर चाहिए इन कागजों पर। मोहर? कैसा कागज है ये? खाड़ी गांव में कुआं खोदने का काम चल रहा है, उसके खर्च का पहला हफ्ता हमने मंजूर किया है,
लेकिन उसके लिए आपकी मोहर चाहिए। आपको मोहर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे आवेदन करना होगा। हमें आवेदन करना पड़ेगा? हाँ, आवेदन कीजिए, हम वो पढ़ेंगे, ठीक लगा तो मंजूर करेंगे और फिर मोहर लगाएंगे। यीशु, रानी साहिबा, हम रानी साहिबा हैं। रानी साहिबा नियम तोड़ती नहीं और तोड़ने देती भी नहीं। तो हम युवराज हैं, स्वतंत्र प्रशासन के स्वामी और हम मोहर वाहक हैं। हम रानी साहिबा हैं। अच्छा, तो मतलब हमने नियम बता दिया तो हम पर ही नाराजगी? तो आखिर हम शिवाजी महाराज की बहू हैं। देखो यीशु, देखा आप हमें ऐसे घूरते हैं ना, इसलिए महाराज ने सिर्फ मोहर नहीं कटियार भी दी है। युवराज हाथ छोड़िए। क्या कर रही हैं? मोहर दे रही हैं? बात सुनिए, मोहर और कटियार हमारे पास हैं, तब भी सहमति की स्याही तो आप ही के पास है ना। बढ़िया, और हमारे जमादार खाने की चाबियां आपकी कमर पर होंगी। युवराज,